मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन लिखा गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि यह आधी रात पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है और दूसरा पूछा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दो प्रश्न पूछा गया आपसे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस समय तापमान जो है 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और दूसरा पूछा गया है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ और इसको अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें प्रश्न से क्या क्या जानकारियां प्राप्त है। हम लिखेंगे कि दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 0 से 10 डिग्री ऊपर था। तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। ठीक है, क्या लिखा गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, 0 से प्लस था 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। लिखा गया यदि यह आधी रात को, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है। अब यहां लिखेंगे कि तापमान आधी रात तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। ठीक है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है टाइम वाला क्वेश्चन में, किस समय का मान जो है 0 से 8 डिग्री नीचे चला जाएगा, माइनस का आधी चला जाएगा। अगर देखिए ध्यान दीजिए, जो तापमान जो है दोपहर 12 बजे क्या 0 से 10 डिग्री ऊपर। ठीक है, और तापमान आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पर यह बात है, जब तापमान दोपहर में 12 बजे 0 से 10 डिग्री ऊपर है तो तापमान कौन सा समय होगा जिस समय तापमान जो है माइनस का 8 डिग्री नीचे चला जाएगा। यही सब पूछा गया है, यहाँ लिखेंगे पहले सबसे पहले क्या दिया है, तापमान क्या दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लिखेंगे यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का क्या होता है माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ घटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि जो तापमान है वो बढ़ रहा क्या है 12 बजे से क्या है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है ऊपर है। ठीक है, प्लस में
और ये क्या है, शून्य से 8 डिग्री नीचे कब होगा, पूछा गया समय। तो इसे जो हम घटाएंगे तो जो समय हमें मिलेगा वो दोनों का क्या होगा, दोनों का योग होगा, इसका भी योग होगा और इसका, ठीक है। और दोनों का योग मिलेगा, हमें समय जो मिलेगा और उसमें दो से भाग देंगे तो हमारा मूल समय है वह प्राप्त हो जाएगा कि किस समय जो तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाएगा, दिमाग का 8 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे घटाते हैं इसको कितना का माइनस का 10, ध्यान दीजिए, सॉरी प्लस का 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस, ध्यान दीजिए माइनस प्लस क्या होगा, क्या होगा माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 8 डिग्री, कितना आ जाएगा 10 7 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, ये दोनों का योग है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऊपर तापमान है उसका और जो माइनस 8 डिग्री का तापमान है उसका, दोनों का योग कितना कर गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या पूछा है किस समय, क्या है इसमें ये तापमान जो है 10 डिग्री प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, दोनों का क्या किया गया, योग किया गया। अब जो योग मिला है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा मूल समय प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त होगा 9 बजे। 9 बजे क्या हुआ रात्रि, 9 बजे रात्रि, यानी हमें जो समय मिला है वो 9 बजे रात्रि को क्या हुआ, तापमान जो है 0 से नीचे 9 बजे रात्रि को जाएगा, माइनस 8 डिग्री तापमान कब जाएगा 9 बजे रात्रि को जाएगा माइनस 8 डिग्री तापमान, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा पूछा है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप रात को 12 बजे तापमान क्या होगा, अभी तापमान कितना है वर्तमान में, क्या दोपहर 12 बजे तापमान कितना है 0 से 10 डिग्री ऊपर है, यानी कहेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या लिखेंगे माइनस, ध्यान दीजिए क्या टाइम दिया है 12 बजे रात्रि को तापमान क्या है, ठीक है, क्या टाइम दिया हमारा 12 बजे रात्रि को, और तापमान जो है किस दर से कम हो रहा है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, और हमारा टाइम कितना है 12 घंटा है और उसका कम होने का दर क्या है, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा, यानी एक घंटा में तापमान कितना कम हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा टाइम क्या दिया है 12 घंटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड गुने 12, क्या है 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से तापमान कम हो रहा है, ठीक है, टाइम क्यों दिया है, टाइम दिया है 12 घंटा, कितना कम होगा 12 दुगुने 24 घंटे, क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या 12 दुगुने 24 डिग्री सेंटीग्रेड, अब कितना घटेगा तो 10 में घटेगा 24 कितना आएगा माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन सा तापमान है तो उसके सॉरी किस तरह का तापमान है, ये आपका तापमान जो है 12 बजे रात को तापमान है, पूछा यहाँ पर कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, तो इनका कहना है रात को 12 बजे तापमान क्या होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। इसको फिर समझिए, सबसे पहले लिखा गया है कि दोपहर 12 बजे तापमान क्या है 0 से 10 डिग्री ऊपर है, ठीक है, फिर लिखा गया है कि तापमान आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रही है, ठीक है, ये घंटे कितना तापमान कम हो रही है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन यहाँ पे कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, यानी किस समय तापमान जो होगा 0 से 8 डिग्री नीचे यानी -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, वह समय क्या होगा, तो लिखिए यहाँ पे अभी वर्तमान तापमान क्या है जी, तो 0 से 10 डिग्री ऊपर है, अभी 10 डिग्री ऊपर है माइनस, ठीक है, क्या करें घटाएंगे और क्या पूछा है कि माइनस 8 डिग्री से नीचे होगा, क्या होगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिखा गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस आएगा प्लस हो जाएगा क्या होगा 10 7 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और दोनों क्या है ये 12 बजे तापमान से ऊपर था उसका योग है और जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जो तापमान होगा उसका दोनों क्या है योग है, कितना 18 डिग्री सेंटीग्रेड,
आप थोड़ा का योग है, आप हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा समय है वो निकल जाएगा किस समय तापमान जो होगा 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, टाइम 9 बजे रात्रि, ठीक है। और फिर पूछा गया क्वेश्चन कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा, यानी अभी जो दोपहर का तापमान है 12 बजे क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे घटाएंगे जो 12 रात्रि का तापमान होगा तो मुझे पता जाएगा जो मूल तापमान क्या होगा 12 रात्रि, तो लिखे 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। अब 1 घंटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो रहा है और कुल कितना समय है 12 घंटा समय है, क्या पूछा है 12 बजे रात्रि, ठीक है। इस बारे में क्या है 12 बजे रात्रि कुल समय है, 1 घंटे कम हो रहा तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 12 डिग्री सेंटीग्रेड मूल तापमान कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से ऊपर है, और ये क्या है घटाएंगे क्या निकल जाएगा 10 में 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका है 12 बजे को तापमान होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 प्रश्न पूछा गया था, पहला किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, उसका आंसर में क्या होगा, उसका आंसर होगा 9 बजे रात्रि को, ठीक है। और दूसरा पूछा गया था कि 12 बजे रात्रि को तापमान क्या होगा, क्या सेंसर लगा इंदिरा 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 12 बजे को तापमान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहा और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। तो प्रश्नावली 1.4 का दिया है क्वेश्चन, ठीक है, सरल कीजिए, ठीक है, गुना का तो गुना भाग दिया है, सरल करना है, तो चलिए इसको आप समझ चुके अच्छी तरह से, इधर हम थोड़ा इसका बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए कितना प्रश्नावली, देखिएगा प्रश्नावली 1.4 ठीक है, इसे क्वेश्चन का हेडिंग दिया है, ठीक है, सरल करना है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 20 का 1/4, ध्यान दीजिए कुछ शब्द ऐसा है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा का काट क्या होता है, का काट क्या होता है गुना होता है। पूछा है 20 का 1/4 क्या होगा। दूसरा पूछा है 250 बटा 9 का 3/50, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोगों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक और तो हम बता देते हैं, और आप लोग 3, 4, 5 ठीक, कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, तो ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन नंबर 1 हम बता देते हैं, ये कहा निकलेगा, लिखेंगे 20 का 1/4 बराबर का काट क्या होता है, का काट होता है गुना, ठीक है, का काट क्या होता है गुना, लिखेंगे 20 गुना 1/4, ठीक है, का काट क्या हो गया गुना हो गया 20 का 1/4 कटेगा 4 से 4 कहीं 4 4 बचे 20 कितना गया 5 एकम 5 क्या आंसर आ गया 5, ठीक है। इसी प्रकार दोनों लिखिए, दोनों लिखा गया है 250 बटा 9 का 3/50, ठीक है, इसका हम लिखेंगे क्या लिखेगा 250 बटा 9 का क्या होता है
गुना 3/50। ध्यान दीजिए कटेगा ये 0-0 बन जाएगा, ये कटेगा 5 से 50 25, ये कटेगा 3 से 3 9 कितने गया 5/3 बराबर कर लिया 5/3 ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आप लोगों को इसमें का एक और दो हमने बता दिया, आप लोगों को 3, 4, 5 ठीक है, मात्र आप लोगों को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें का, फिर हम इस क्वेश्चन 6 से बताएंगे और एक वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये धन्यवाद, थैंक यू।